तू बहुत बोल रहा है, तू बता। अयोध्या गया? अयोध्या दर्शन करने गया? एक बार गया था, मंदिर में आ गया। अच्छा बता तो, मूर्ति का मुंह किधर हुआ है? भाई लॉकडाउन में यही तो होता है, घर के अंदर रहना। और हमारे तो सबके ऑलरेडी बॉर्डर पे घर बने हुए हैं। लॉकडाउन का असर यहाँ देखने को मिलेगा? अगर यहाँ लॉकडाउन लगाया तो समझ लीजिए भारत सरकार और राज्य सरकारें डर गई। मतलब जनता की सेफ्टी आपके लिए कोई मायने नहीं, क्योंकि जनता की सेफ्टी बंगाल में कहाँ चुनाव के, मैं वहाँ कोरोना जो है छुट्टी लेके गया है। जहाँ जहाँ चुनाव होंगे वहाँ कोरोना छुट्टी लेके चला जाएगा, और जहाँ जनता सरकार का विरोध करेगी वहाँ कोरोना का डर दिखा के लॉकडाउन लगाओगे। आप दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे हुए हो और मतलब यहाँ कोरोना की स्थिति अगर बनती है तो आवागमन जब रुकेगा तो फिर आप कैसे मतलब चलाओगे? जब कोरोना पीक पे था दिल्ली के अंदर, 26 नवंबर को भारत का किसान बॉर्डर पे आया था। 26 नवंबर का दिल्ली का रिकॉर्ड उठा के देखना, यूपी का रिकॉर्ड उठा के देखना, हरियाणा का रिकॉर्ड उठा के देखना कि कितना बड़ा ये दहशत फैला रहे थे। एक भी किसान को कोरोना नहीं हुआ। और शुक्र मनाए भारत सरकार और राज्य सरकारें कि जब 26 नवंबर को किसान आया और आकर के ऐसा डटा बॉर्डर पे कि कोरोना पूंछ दबा के भाग गया। बताओ जी, लेकिन चडूरी जी को तो कोरोना हुआ, अभी पुष्टि की है चडूरी जी को कोरोना नहीं हुआ था। अरे इन्होंने उसे अफवाह फैला दी। अच्छा। ये तो तू चला जा, आज खांसी बता दी है। लेकिन तब एक आंदोलन खत्म हुआ था इसी कोरोना की वजह से। हाँ। कि आपका आंदोलन भी खत्म किया जाएगा इसी कोरोना की वजह से? देखिए, ये वो किसान है, ये वो किसान है कि अगर कोरोना का डर दिखा के आंदोलन खत्म करने की कोशिश की तो समझ लेना 1857 की क्रांति आएगी। सरकार बात मानने को राजी नहीं है और आप भी पीछे नहीं हट रहे हो, तो किसान भी मानने को राजी है? कब तक चलेगा ऐसे? जब तक सरकार चाहे। सरकार कहाँ चाह रही, सरकार चाहती नहीं आंदोलन चले। आप चाह रहे हो तो आप ही चाह रहे हैं आंदोलन चले। अगर सरकार नहीं चाह रही आंदोलन चले तो एक मिनट में बिल वापस आंदोलन। आप तो बात कर रहे हैं, मान रोड पे पीछे पीछे गाड़ी खड़ी कर दो और लोगों को कहोगे लोग चाह रहे हटा, खुद नहीं रहे गाड़ी तो क्या हटाने का किसका काम है? किसका काम है गाड़ी अगर रोड पे खड़ी है? सरकार का, आम ट्रैफिक पुलिस का, आम जनता का कोई काम नहीं है, आम जनता की कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है देश के प्रति। आप कचरा डालोगे, उठाने का काम सरकार का। आप सड़क पे डालोगे तो भाई नगर निगम क्यों है, उसमें कर्मचारी काहे के लिए? अच्छा मतलब डस्टबिन हटा दें आप सारे? डस्टबिन हटा दें? हाँ डस्टबिन हटाओ, क्योंकि आप तो घर घर गाड़ी जा रही है कूड़ा लेने। कचरा आप सरकार सड़क पे डालोगे? नहीं गाड़ी में डाल रहे, तो तुम इंसान को कचरा कह रहे हो? इंसान को कचरा ही बता रहे हो तुम तो, सड़क पे डालोगे। आपने कहा 1857 की क्रांति आएगी, आपको बताया बहुत खून बहा था उसमें, तो क्या हो गया उस समय? किसका खून बहा था? इतिहास उठा के देख, ना कोई बीजेपी का मरा था, ना कोई आरएसएस का मरा था। इस देश का नागरिक ने तब भी शहादत दी थी और अब फिर शहादत देगा। 300 तो दे चुके, 300 से ज्यादा। सरकार बताए कितनी शहादत है। किसान गर्दन कटा सकता है, वापस नहीं जाएगा। आपको लगता है कि आपके आंदोलन से बंगाल में कुछ फर्क पड़ेगा? पढ़ना चाहिए, चाहिए, लेकिन बिल्कुल किसान को सोचना। ऐसा तो नहीं है कि आप बंगाल में लगे हुए हैं और सरकार बाकी के चार राज्य जीतने के चक्कर में। देखिए राजनेताओं का काम है चुनाव लड़ना, जीतना और हारना। सारे काम हमसे ही करावे। पता किसान कौन सा चुनाव लड़ रहा? आप ही तो कहते हैं कि बीजेपी को हराना है, जीतने नहीं देंगे, कोशिश कर रहे हैं। सारी बात आप ही बोलते हैं, बीजेपी सवाल करो आपसे तो पलट जाते हैं। बता रहा हूँ कल का सूरत तब निकलेगा जब बीजेपी हर बॉर्डर पे किसानों के कदमों में होगी। ईवीएम हटवा दो आज। ईवीएम अगर हटा दी जाए फिर आप बोलोगे कि ये मतलब उसमें घोटाला कर रहे हैं? ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। आपको लगता है कि जब पर्ची आ जाएगी तुम सोचो पर्ची से हो चुनाव, फिर आप कहोगे कि ये पहले ही ठप्पा मार के बॉक्स बंद कर लेते हैं? नहीं होगा, फिर ठप्पा मार के नहीं होगा, ठप्पा मार के एक दो वोट गिर लेगा, या तो बटन दबाते ही सारी बदल दे। 90 के दशक में जब ये पेपर से चुनाव होते थे कितने दिन बहुत होती थी, लूट लिए जाते थे। तो आज कितना हो गया, 31 साल हो गए, 31 साल में देश बदलते हैं। तो डिजिटल इंडिया बना रहे मोदी जी, तो उसे मतलब फिर पुराने दौर में ले जा रहे हो? अरे डिजिटल इंडिया किस चीज में बनाया बता, पता किस में बनाया? डिजिटली तो है। आप कैमरा के सामने डिजिटल पे हो आप? मोदी जी से कहो अगर डिजिटल इंडिया बनाया है तो जाओ गूगल से रोटी डाउनलोड करके दिखाए। डिजिटल इंडिया रोटी के लिए थोड़ी है, डिजिटल इंडिया पढ़ाई के लिए है, डिजिटल इंडिया सुख सुविधाओं के लिए है। अगर डिजिटल इंडिया मोबाइल, आप मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हो तो सब चीज थोड़ी बना लोगे, इससे बात ही तो कर पाओगे। अच्छा तो डिजिटल इंडिया पढ़ाई के लिए है, फिर ये प्राइवेट स्कूल क्यों खोल ले?
पढ़ लेंगे गरीब मोबाइल पर पढ़ लेंगे। दूसरी चीज सुन आपको ना, अरे सुन, चंदा कैसे में क्यों ले रहे हैं आपको बता दो, चंदा कैसे में क्यों ले रहे हैं राजनीतिक पार्टियां? इस वजह से क्योंकि गांव देहातों में जो लोग हैं अभी भी काफी तादाद में लोग उन्हें भी डिजिटल बना रहे हैं। गांव देहात का कोई आदमी राजनीतिक पार्टी को चंदा नहीं देता। कोरोना काल में बात कर, कोरोना काल में। और एक काम और कर ले, अगर डिजिटल ही करा है आरटीआई के, क्यों आरटीआई के दायरे में क्यों नहीं ला रहे अपना चंदा? कोरोना काल में डिजिटल इंडिया नहीं बचाया भारत को, नहीं कुछ नहीं बचाया, क्यों सारी पढ़ाई ऑनलाइन नहीं हुई बच्चों? कौन सी पढ़ाई हुई बच्चों की? किस पे था? बड़े घर के बेटे उन पे 10-15 हजार रुपए के मोबाइल थे, लैपटॉप थे, नेट कहाँ से ला रहे हैं? नेट 1000-1000 रुपए का नेट आ रहा था, वो कहाँ से आएगा? झुग्गी झोपड़ी वालों को पढ़ाया। आप कह रहे बड़े बड़े घर के बेटे थे, आजकल आप जिसे देखेंगे हाथ में फोन है तो ये कैसे कह सकते हैं बड़े घर के बेटे? आपके पास भी तो फोन है, स्मार्टफोन है। आप भी बड़े हो गए, आप भी रपति हो, आपके हाथ में फोन है रपति? हाँ, मैं इतना बड़ा रपति हूँ कि बैंक में खाता भी नहीं है। इतना बड़ा रहा जनधन योजना के तहत क्यों नहीं खोला प्रधानमंत्री ने? खुलवाया ना क्या जनधन योजना के तहत सारे लोगों खाता खुलवाया पूरे हिंदुस्तान में? मैं गया, सुन ले, मैं गया, मैं आईसीआईसी बैंक में गया, लो, मैं एचडीएफसी बैंक में गया, क्यों नहीं खोला? अरे तो जाओगे तो प्राइवेट बैंक में जाओगे? रुक, सारे देश को प्राइवेट में कर रहा, हमारा खाता क्यों नहीं खुल रहा? यही तो जवाब है, सारी चीज तो प्राइवेट, जब प्राइवेट थोड़ी कर रहे थे आप तो पहले गए थे। प्राइवेट बैंक कहां के लिए है, किसके लिए है प्राइवेट? देखिए मैं फिर कहता हूँ, प्राइवेट स्कूल आए सरकारी स्कूटरों की ऐसी की तैसी, प्राइवेट बैंक आए सरकारी बैंकों की ऐसी की तैसी, प्राइवेट मोबाइल आए सरकारी बीएसएनएल की ऐसी की तैसी, और जितना भी पैसा लेके भगे हैं प्राइवेट बैंकों की भी सब, अभी पीछे एक बैंक डूबा, किसने बचाया? और सुन, इस कोरोना काल में जब कोरोना तुम कोरोना कोरोना बता रहे हो, कौन से प्राइवेट डॉक्टर ने सेवा करी? जिन सरकारी डॉक्टरों को, जिन सरकारी कर्मचारी को तुम नालायक कहते थे, उन्होंने ही तुम्हारी जान बचाई। ताऊ आप बोलते हैं कि 15 लाख नहीं आए, आपके लिए खाता खुलाया गया था, आप खाता खुलाएंगे जो 15 लाख कहाँ से? सुन ले, तेरे खाते में आए, वो चेक करते हैं, तेरा तो बैंक अकाउंट है, तू बता, तेरे पिताजी के खाते में आए हो, तेरे भाई के खाते में आए हो, तेरे चाचा के खाते में आए हो? किस्तों में आ तो रहे 2000 करके, कौन सा? हाँ सुन सुन सुन, 2000 पे सुन, 2000 पे भी सुन, 6000 दिए साल में, 1888 का माल 800 रुपए में बिका, जिसके 40 क्विंटल मुंजी हुई तो कितना गया? इस हाथ से लेता है और इस हाथ से देता है, थोड़ा सा देता है और घर लूट लेता है। तो आवागमन तो होना चाहिए ना, आना जाना चाहिए ना। तो भाई एक बात बता, ये जो मंदिरों में तुम इतना ले जाके धर रहे हो, उसे भी आवागमन पे लगा दो। क्या बताओ, पूरा देश मंदिर के लिए लड़ाई, क्या इनकार कर रहे हो? हाँ देख, जब देश पे मुसीबत आई, हमारे देश का कौन सा मंदिर खुला था या कोई से ने लंगर लगाया हो, कोई से ने कुछ बांटा हो, मुझे बता दे, है कोई? जब देश पे मुसीबत आई सारे मंदिरों में ताले लग गए थे। ताऊ इसी देश की जनता मंदिर के लिए तो लड़ रही थी, है क्यों लड़ रही थी फिर? कहाँ, देश की कोई जनता नहीं लड़ रही थी, ये तो ये राजनेता लड़ रहे थे। बता तू गया क्या लड़ने? बता आप इसी, अच्छा एक चीज बता, मैं तो आम नागरिक हूँ, तू गया क्या अयोध्या? बता अयोध्या दर्शन करने गया? आप तू गया भाई, तू बहुत बोल रहा है, तू बता अयोध्या गया? अयोध्या दर्शन करने गया? एक बार गया था, मंदिर बनने के बाद जाएंगे दोबारा दर्शन करेंगे जाके अभी, बस एक बार कभी पहले बस गया ना तू, यहाँ जनता में झूठ बोल रहा है? नहीं गया। अच्छा बता तो मूर्ति का मुँह किधर रहेगा? बता किधर है? बता कितनी बड़ी मूर्ति थी? बता क्या फुट की है? नहीं पता, जब गया टेंट में, ये जनता में झूठ बोलने का। अच्छा इसका मतलब मोदी जी का छोटा भाई।